नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जितने भी मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, उनको अभी एक आदेश आया है। उन लोगों को जो है अपनी पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स जो है अपने IFMS पोर्टल पर जो है अपडेट करना है, उसके लिए ये वीडियो है। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठकर खुद इस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कैफे जाकर अपडेट करा रहे हैं तो आपको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत साथ में पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जो है हार्ड कॉपी में भी होने चाहिए और सॉफ्ट कॉपी में भी होने चाहिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जो है घर से भी इसको आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जाकर लिखना है IFMS लॉगिन। हम यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप जो देख रहे हैं, यहाँ लिखा आ रहा है पे स्लिप IFMS साइबर ट्रेजरी। यहाँ पर ये जो आप URL भी देख सकते हैं, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। देखिए, ये पॉपअप विंडो ओपन हो गया है दोस्तों। ये हमारी यूज़र ID है और पासवर्ड। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आप अपने जो है संस्था प्रमुख से जाकर पासवर्ड ले सकते हैं। आप यहाँ पर ID, एम्प्लॉय कोड आपका ID रहेगा, पासवर्ड। इसके बाद आप जो है यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ से हमें इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का आपको विंडो यहाँ पर ओपन हो रहा है। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो पूरी वेबसाइट को जो होस्ट कर रहा है दोस्तों, वो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप इस पोर्टल पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स, होम, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉगआउट कर सकते हैं। यहाँ आपका नाम आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है, और दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट है जाने के लिए, वो ये ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ लिख रहा है HRMIS होम एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज ESS पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कर्मचारी की जो पूरी सरकारी नौकरी की कुंडली होती है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। आप यहाँ पर आसानी से जो भी काम करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। सिस्टम बहुत अच्छा बना दिया गया है, सारा काम ऑनलाइन है, आप खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मेन वीडियो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ई प्रोफाइल। आपको यहाँ पर चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एम्प्लॉय प्रोफाइल। अगर कोई भी आपसे संबंधित चीज़ जो है गलत डली है, आप उसे अपडेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल पर। यहाँ दोस्तों, जैसे ही चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल पर हमने क्लिक किया है, ये एम्प्लॉय की प्रोफाइल आ गई है। फर्स्ट नेम है यहाँ पर, और वही नेम हिंदी में भी है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, फादर हस्बैंड नेम है दोस्तों। तो यहाँ से आप अपडेट करना शुरू करेंगे, और अगर ये जानकारी सही है तो आप इसको क्रॉस चेक करना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, आपका पे स्केल दिख रहा है, आपकी सर्विस डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रही है, डेट ऑफ रिटायरमेंट दिख रहा है दोस्तों। इसी तरीके से आप यहाँ पर फोटो लगाएंगे, आपका फोटो आपको यहाँ लगाना होगा, सिग्नेचर आपको जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा एक फ़ोटो के माध्यम में। यहाँ डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पर फोटोग्राफ ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर जैसे ही चूज़ फाइल करूँगा तो ये विंडो ओपन होगी पॉपअप। यहाँ आपके डेस्कटॉप पर जो आपका फ़ोटो होगा, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आप जो है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, आपका फ़ोटोग्राफ ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों, आपके सिग्नेचर, आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं सिग्नेचर, आप डॉक्यूमेंट में फाइल को सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे। ऐड करते ही दोस्तों, यहाँ पे आपके सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे। उसी तरीके से, उसी क्रम में आने के बाद दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपको दिख रही है ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारे पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में सेव है। अगर आपकी कंडीशन में नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिस, पर्सनल ऑफिस रेसिडेंस, ईमेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, आप सभी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो वैलिड डॉक्यूमेंट में लगेगा वो आप देख रहे हैं, कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, आपकी जो सर्विस बुक होती है उसके पहले पेज की कॉपी आप यहां पर लगाएंगे। उसी के साथ दोस्तों, जो है आप यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। यहां जो आप टिक कर रहे हैं वैलिड डॉक्यूमेंट, वही आप यहां पर ऐड करते जाएंगे डॉक्यूमेंट के साथ। और दोस्तों, लास्ट में अगर आप यहां पर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन देकर आप
जो है यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों एक रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पर जनरेट होगा, वो आपको सेव कर लेना है। तो इस क्रम में आपकी पूरी एम्प्लॉय की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब दोस्तों हमें दोबारा से जाना है उसी ऑप्शन पर जहाँ लिखा है HRMIS होम एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज। यहाँ क्लिक करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वो दूसरा ऑप्शन है एड्रेस डिटेल का। आपको एड्रेस भी चेंज करना है अपना, तो आप चेंज एड्रेस डिटेल पर जाएंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा विंडो है, कोई ज़्यादा कुछ इसमें अजीबोगरीब नहीं है। ये आपके एम्प्लॉय का नेम है, कोड है, जेंडर है, ऑफिस है, पोस्ट डिटेल्स है, एम्प्लॉय की क्लास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी दोस्तों जो एड्रेस लिखा हुआ है, आप यहाँ अपडेट पर जाने के बाद इसको होम टाउन एड्रेस है दोस्तों, और एक है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस ये जो दे रखा है। इसी की तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए करंट एड्रेस दे रखा है। आप जो भी एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं, आप जहाँ अपडेट पर जो है क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड, और आप यहाँ से दोस्तों जो है इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट मैसेज जो है, सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से मिलता है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अन्यथा आप इसको नो ही रखेंगे। उसी के साथ दोस्तों आपको जो यहाँ पर अटैचमेंट में लगाना है, ये एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है। इन 7 चीज़ों में जो है आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपकी सर्विस बुक का पहला पेज की कॉपी भी आप यहां पर लगा सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों आप कोई अन्य जानकारी देना चाहते हैं तो रिमार्क में यहां लिख के आप जो है दोस्तों इसको भी यहां से सबमिट करेंगे। ये भी बहुत आसान प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग खुद पर्सनली इस डिटेल को अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है। कुछ कर्मचारी सोचते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट जानकारी अगर हम बाहर जाकर कहीं भरवाएंगे या किसी और प्राइवेट पार्टी से भरवाएंगे तो हमारी जानकारी को जो है नुकसान पहुंच सकता है। तो आप खुद भी दोस्तों हमारा ये आसान सा वीडियो देखकर इसको भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों जो तीसरे क्रम में चला है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, वो है दोस्तों फैमिली डिटेल। यहाँ आपको आपके परिवार की डिटेल, एजुकेशन, ये सभी दोस्तों भरना है आपको, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा दोस्तों आप एज ए एम्प्लॉय, मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे यहाँ पर मेरी डिटेल नहीं भरनी है, मुझे मेरे परिवार की डिटेल भरनी है। तो आप इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें, जब आप यहाँ फैमिली डिटेल में नेम लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आपके परिवार के जिस सदस्य का आप नाम लिख रहे हैं वही नाम लिखना है। फिर आपको दोस्तों बताना है रिलेशन में वो आपका क्या लगता है, जेंडर उसका क्या है, स्टेटस उसका क्या है, वो जिंदा है या फिर वो मतलब कि इस दुनिया को छोड़ चुका है, डेट ऑफ बर्थ उस इंसान की भरनी है जिसका आपने नाम लिखा है, एज उसका, मैरिटल स्टेटस आपको लिखना है, और दोस्तों ये बताना है कि क्या वो डिपेंडेंट है या नहीं है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ बैंक डिटेल भी भरनी है, क्योंकि बैंक डिटेल आपकी तो भरी है, क्योंकि सैलरी आती है आपकी, आप यहाँ पर जो है उसकी यहाँ पर बैंक डिटेल भरेंगे और आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी भरेंगे। ये सारी जानकारी दोस्तों जो है आपके परिवार के सदस्य की भरी जानी है, और फैमिली मेम्बर का एड्रेस, मान लीजिए आपका फैमिली मेम्बर आपके साथ ना रह के कहीं और रहता है, तो आप क्रम से ये सारी जानकारी यहाँ भरेंगे। और उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो भी यहाँ पर आपके पास है वो आप यहाँ पर अटैचमेंट में ऐड कर देंगे, वह ऐड हो जाएगा और आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। दोस्तों ये एक जानकारी होगी, अगली जानकारी फिर भरने के लिए आप ऐसे मान लीजिए 3-4 लोगों का भरते हैं, तो आप नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर दोस्तों पेंडिंग रिक्वेस्ट आपको मिलेगी। पहले ये पेंडिंग रिक्वेस्ट में आता है, यहाँ से आ जाने के बाद आपका ये अप्रूव्ड हो जाएगा, और अप्रूव्ड में आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा नाम, जेंडर, रिलेशन, स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, और ये पूरा क्रम दोस्तों आएगा। इवन इसके बाद भी जो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने आपको दिया है कि आप यहाँ से भी इसको एडिट और डिलीट दोनों कर सकते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पर कोई जानकारी गलत भरी हो गई है तो आप यहाँ से डिलीट एडिट करने के बाद पुनः इसको भर पाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक बहुत आसान सा तरीका है फैमिली डिटेल, जिसको बहुत ज़्यादा हुआ अभी बना दिया है, कुछ दिनों से चर्चा में है कि इसको कैसे भरा जाएगा, कैसे किया जाएगा। बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में आपको जो है ऑप्शन मिलता है, अगर आपने गलत भर दिया है तो आप उसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने कहा कि आप अगर खुद इस जानकारी को भरेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल बनाना भी अनिवार्य हो गया है। नॉमिनी आप जिसको बनाना चाहते हैं वहाँ यहाँ सेलेक्ट करना है नॉमिनी का टाइप, कि आप उसको नॉमिनी किस तरीके से बनाना चाहते हैं, फैमिली पेंशन, FPF, GPF, ग्रेचुटी,
और जो है ग्रुप इंश्योरेंस, लाइफ टाइम एरियर, नन एनपीएस, ये आप इस तरीके से यहाँ नॉमिनी डिटेल में भी आप ऐड कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन डिटेल है, को कैरिकुलर डिटेल्स है, प्री एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, मिसलिनियस डिटेल है, काफ़ी सारी ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं दोस्तों, मैं इस पर एक नई सीरीज बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको और जो भी नई सर्विसेज में आ रहे हैं उनको हेल्प ज़्यादा हो जाएगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकूंगा क्योंकि दोस्तों ये वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो एक ही वीडियो में आपको कंसेप्ट सारे समय में नहीं आएंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो को था वो था चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल, चेंज एड्रेस डिटेल, फैमिली डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स। दोस्तों इसी तरीके से मैं और भी जो ऑप्शंस हैं इन सभी को आने वाले फ्यूचर वीडियोस में कवर करूंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।